दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश, 20 जनवरी तक निपटाओ इंतकाल तकसीम और निशानदेही के केस। वेतन विसंगति को लेकर बड़ी हड़ताल की तैयारी, कल से काले बिल्ले लगाएंगे एचआरटीसी कंडक्टर। जल शक्ति विभाग में डिवीजन आधार पर होगी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रोसेस शुरू। फायदे वाली सहकारी समितियां रख सकेंगी कर्मचारी, सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद दी अनुमति। ड्राइवर भर्ती की मुख्य परीक्षा के इंतजार में बीत गए 7 महीने, फिर मिला आश्वासन। नए बस अड्डों में अब स्थानीय लोगों को मिलेंगी 20% दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए सुविधा प्रदान करने को परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी, उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है। 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए, इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा हैं जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल तकसीम तथा निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने सोमवार को प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर निपटारा करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल तकसीम तथा निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने सोमवार को प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर निपटारा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक ACR में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्टूबर 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 और 2 दिसंबर को दोबारा प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सुखू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का विवरण उपलब्ध हो। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनमंच नहीं लगाना है कि हम जनमंच में लाए, अधिकारियों को डांटे, भेजित करे, उस तरह नहीं हमने करना है, खूब खर्चा करे। हमने कहा है कि अधिकारी जो है वो इसको तेजी से करे और इंतकाल अदालत जो हमारी अगली लगने जा रही है उसमें शून्य हमारा इंतकाल अदालत रहे, जो आज़ादी के बाद का पहला सबसे बड़ा सुधार होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, उसके बाद पार्टीशंस और डिमार्केशंस में हम आगे बढ़ेंगे। वेतन विसंगति दूर न होने से नाराज HRTC कंडक्टरों ने अब सरकार व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। मंगलवार से प्रदेश भर में HRTC कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देंगे। वेतन विसंगति दूर न होने से नाराज HRTC कंडक्टरों ने अब सरकार व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय ले लिया। मंगलवार से प्रदेश भर में HRTC कंडक्टर काले बिल्ले लगाकर सेवाएं देंगे। वहीं 5 दिसंबर तक अगर सरकार की ओर से वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जाता है तो फिर 6 दिसंबर से HRTC कंडक्टर यूनियन हड़ताल की रणनीति तैयार करेगी। स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद ने कहा कि स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन ने बीते 29 अक्टूबर को मंडी के पंचायत भवन में हुई राज्य स्तरीय बैठक में पहले आंदोलन का निर्णय लिया था। उसे दीपावली के त्योहार में हिमाचल प्रदेश की आम जनता को कोई कठिनाई ना हो, इसके चलते 20 नवंबर तक स्थगित किया गया था, परंतु हिमाचल सरकार ने परिचालकों की वेतन विसंगति के ऊपर इसके उपरांत भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में अब हिमाचल पथ परिवहन निगम के समस्त परिचालकों में भारी रोष व निराशा उत्पन्न हुई है। जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। 4500 पदों को तय नियमों के अनुसार डिवीजन आधार पर भरा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग अब इन पदों को भरने की आगामी प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गया है। जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। 4500 पदों पर तय नियमों के अनुसार डिवीजन आधार पर भरा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग अब इन पदों को भरने की आगामी प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गया है। जल शक्ति विभाग में यह पद 3 श्रेणियों में भरे जाने हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2500 पद मल्टीपर्पज वर्कर के भरे जाएंगे, जबकि 1200 पद पैरा पंप ऑपरेटर और 800 पद पैरा फिटर के भरे जाने हैं। जल शक्ति विभाग में लंबे समय से मल्टी टास्क वर्कर भर्ती की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के आदेश का इंतजार चल रहा था। बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में भर्ती पर मुहर लगने के बाद अब अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने अभी तक जो प्रारूप इस भर्ती के लिए तैयार किया है उसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं तय की गई है। हालांकि पदों के हिसाब से तकनीकी दक्षता के साथ ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब लाभ वाली सहकारी समितियां अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें सिर्फ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को केस भेजना होगा। ये सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
हिमाचल प्रदेश में अब लाभ वाली सहकारी समितियां अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें सिर्फ रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को केस भेजना होगा। यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पिछले शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार फायदे वाली सहकारी समितियां अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। वर्तमान में हिमाचल में 5,223 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। इनमें से करीब 1,000 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो लाभ में चल रही हैं। इन समितियों के पास इससे पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था। राज्य सरकार ने सिर्फ सहकारी बैंकों को ही निदेशक मंडल के माध्यम से यह अधिकार दिया हुआ था। अब सहकारी समितियां जिनका व्यवसाय अच्छा है और जो फायदे में चल रही हैं, वह भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पंजीयक सहकारी सभाएं को अपना केस भेज सकेंगे। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक का कहना है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद शीघ्र ड्राइवर भर्ती की मुख्य परीक्षा होगी। सरकार के समक्ष दोबारा इस मामले को उठाया गया है, जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। देखें ये रिपोर्ट। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही ड्राइवर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा होगी। सरकार के समक्ष मामले को उठाया गया है, जल्द ही सरकार से स्थगित ड्राइविंग टेस्ट करवाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। गौरतलब है कि एचआरटीसी में ड्राइवर भर्ती के लिए होने वाला मुख्य टेस्ट पिछले 6 महीने से लटका हुआ है। पहले यह टेस्ट धर्मपुर में 1 मई को होना था, लेकिन सरकार ने इस टेस्ट को किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया था, लेकिन अभी तक दोबारा इसके लिए तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में एचआरटीसी में 3 माह से 276 पदों पर चालक भर्ती लटकी हुई है। निगम प्रबंधन द्वारा चालक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेश में प्री ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद प्रबंधन ने 1 मई को चालकों के अंतिम ड्राइविंग टेस्ट भर्ती पर रोक लगा दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को बंद हुए करीब 6 माह होने वाले हैं। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि इस भर्ती की मुख्य परीक्षा को जल्द बहाल करवाया जाए। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला पूरे हिमाचल में 18 नवंबर से ऑडिशन शुरू। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस के पेज को फॉलो करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। हिमाचल में बन रहे नए बस अड्डों में 20% दुकानों का आवंटन स्थानीय क्षेत्र के कमजोर वर्गों को दिया जाएगा। शेष 80% दुकानों के आवंटन के लिए खुली नीलामी या निविदा आमंत्रित की जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को ही 80% दुकानों का आवंटन होगा। हिमाचल में बन रहे नए बस अड्डों में 20% दुकानों का आवंटन स्थानीय क्षेत्र के कमजोर वर्गों को किया जाएगा। शेष 80% दुकानों के आवंटन के लिए खुली नीलामी या निविदा आमंत्रित की जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को ही 80% दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में नवनिर्मित सभी बस अड्डों में दुकानों के आवंटन के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इस नीति की बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश शहरी एवं बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की ओर से अधिसूचित नीति के मुताबिक 20% आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण की ओर से निर्धारित मानदंडों के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। उच्चतम योग्यता वाले आवेदकों को ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर।
किन्नौर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग प्रतिबंधित। सर्दी बढ़ने से प्रशासन ने लगाई रोक, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। नूरपुर में देह व्यापार पर दो होटलों के लाइसेंस रद्द, पुलिस की कार्रवाई पर जिला पर्यटन अधिकारी ने कसा शिकंजा। पेपर लीक मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, नितिन आजाद ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। पांवटा साहिब में छठ पूजा के दौरान डूबा प्रवासी युवक, नहीं लगा कोई सुराग। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।